two dry cell system for 8000 cc. This product in 24 volt automatic system, power controller and heat controller, this water level and this bubbler, PWM and power display, automatic system and water level. ये मरीन की प्रोडक्ट है, 8000 सीसी इंजन पर डीजल में काम कर जाए, पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है विद टू कूलिंग फैन, दिस पीडब्ल्यूएम कूलिंग फैन एंड अदर वायर्स, एचएसओ आरएचडी फ्यूल टेक्नोलॉजी, मरीन प्रोडक्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेवर किट फॉर मरीन। ये कंट्रोलर है, ये जो मैक्सिमम 60 के आसपास ये उसका जो पानी है वो कूलिंग मतलब हीट हो जाएगा तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगी आफ्टर ये 57 की हीट होगी तब ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और यहाँ पर वोल्टेज जो अभी हमने 12 वोल्ट की सप्लाई दी है उसका मिल रहा है 15 point something, और यहाँ पर एम्प मिल रहा है और कितना टाइम ये चलता है, सेल में कितने वॉट पावर मिल रहा है, ये सब डिटेल यहाँ से मिलती है। यहाँ और यह जहाँ डैशबोर्ड होता है ड्राइवर का वहाँ ये लगाना है तो पावर के यहाँ डिस्प्ले के हिसाब से आपको पता चलेगा। तो वाटर लो होगा तो ये एलईडी बंद हो जाएगी, वाटर फुल होगा, एलईडी मतलब बंद होती है तब पानी कम होता है, एलईडी ऑन होती है तो समझो कि पानी हम फिल करते हैं तो एलईडी ऑन होती है तो वहाँ रुकना है, जब ये एलईडी बंद होती है तो आहिस्ता आहिस्ते पानी नीचे जाता है। ये बबलर के लिए फिलिंग करना है 9 KH, ये टैंक के अंदर विथ KH डिस्टिल वाटर ओनली, ये जो पॉइंट है यहाँ से, और ये जो पॉइंट है आउटपुट गैस आएगा, उसके बाद एक बबलर आएगा और एक चेक वाला आएगा, ये दोनों साइड ये कूलिंग जो फैन की हवा आती है वो निकालने के लिए दो वेंटिलेशन होते हैं, एक ये साइड आता है और ये वायर है ऑटोमेटिक अल्टरनेटर के साथ कनेक्ट करना है। बट ये वायर हम डिसकनेक्ट करेंगे जब अल्टरनेटर स्टार्ट होगा तब भी जाके प्रोडक्ट स्टार्ट होगी, समझो कि ये अल्टरनेटर का ही वायर है तो सिस्टम बंद हो गई, आप यहाँ देख सकते हैं। और इस वायर को हम कनेक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट ऑन हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिक पूरी सिस्टम है, जब इंजन स्टार्ट होता है तब भी जाके ये प्रोडक्ट ऑन होती है, आप देख सकते हैं फैन की आवाज़ आ रही है और यहाँ भी डिस्प्ले ऑन हो गई है। तो ये हमारी थी 8000 सीसी इंजन डीजल के लिए आरएसडी फ्यूल की एचएसओ फ्यूल सेवर किट। थैंक यू सो मच।